के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स के एंगल पर चल रही जांच ने बॉलीवुड के कई सितारों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इस सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बीते 3 दिन से सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर रही जया साहा से पूछताछ कर चुकी है। जया साहा से पूछताछ उनकी व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद हुई है, जिसके बाद बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान सहित और भी कई नामों का खुलासा हुआ है। अब खबर है कि ड्रग्स मामले में अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की मुश्किलें बढ़ सकती है। जया साहा से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ का बुधवार को 3रा दिन रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान उन्होंने श्रद्धा कपूर के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि जया साहा ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बताया है कि श्रद्धा कपूर ने उनसे कौन सा ड्रग्स मांगा था। सूत्रों के मुताबिक जया साहा ने श्रद्धा कपूर को लेकर दावा किया है कि उन्होंने जया से CBD ऑयल ड्रग्स मांगा था। ड्रग्स दिलवाने की बात को कबूल करते हुए जया साहा ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बताया कि उन्होंने श्रद्धा को CBD ऑयल दिलवाया था। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो जया साहा के अलावा फार्म हाउस के बोटमैन ने भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पूछताछ में बताया है कि श्रद्धा कपूर उस पार्टी में शामिल हुई थी जहां पर गांजे का इस्तेमाल हुआ था। साथ ही इन दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में मौजूद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने भी पूछताछ में श्रद्धा कपूर का नाम लिया था। रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में श्रद्धा कपूर का नाम लिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने भी श्रद्धा का जिक्र किया था। ऐसे में जाहिर है कि आने वाले समय में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो श्रद्धा कपूर पर अपना सिकंजा कस सकती है। वहीं बुधवार को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स के एंगल में 2 TV सितारों के नाम भी सामने आए हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ड्रग्स मामले में NCB ने अभिगेल पांडे और सनम जौहर को भी समन भेजा है। बुधवार को NCB ने इन दोनों को पूछताछ के लिए दफ्तर भी बुलाया था। इन दोनों ने डांस रियलिटी शो नच बलिए का हिस्सा रहे थे, जबकि अभिगेल छोटे पर्दे के कई TV सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। अभिगेल और सनम से ये पूछताछ ड्रग पैडलिंग के आरोपी अनुज केशवानी और राहुल द्वारा खुलासा करने के बाद की गई है। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।